बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और बुलंदशहर के जिला प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया आज बुलंदशहर पहुंचे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद अशोक कटारिया का आज पहला बुलंदशहर दौरा हुआ। अशोक कटारिया ने जिला पंचायत बुलंदशहर में जिले की योजनाओं की समीक्षा की तथा कुछ प्रस्ताव भी पास किए। इसके बाद अशोक कटारिया ने नुमाइश मैदान में लगे उद्यम समागम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया। उद्यम समागम में जिले में बनने वाले अनेक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने एक एक स्टॉल पर जाकर उत्पादों का जायजा लिया। मंत्री ने स्टॉलों पर मौजूद लोगों से उत्पादों के बारे में जानकारी भी दी। मंच के माध्यम से प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलंदशहर में एक सेवक के रूप में भेजा है और बुलंदशहर के विकास के लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा वह करेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके और लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्यम समागम में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया रहे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और शिकारपुर विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह समेत कई विधायकों ने शिरकत की। आनंद कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, बुलंदशहर। तो ये देखने जाया था आपका जो काफिला आया आज, किसी ने भी ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, इवन आपके। मैं मानता हूँ कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए सबको और सीट बेल्ट का उपयोग करना ही चाहिए। दूसरा ये